बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो शॉर्ट इंग्लिश लैंग्वेज वीडियो सीरीज़ है, इसमें मैं आपसे बात करने जा रही हूँ ऐसी मिस्टेक्स जो कि हम कॉमनली करते हैं, ठीक है। वेरी कॉमन मिस्टेक्स आई विल डिस्कस टुडे, और आई एम श्योर कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वॉच इट टिल द एंड सो दैट यू नो दैट वेयर डू वी मेक मिस्टेक्स। हम कहते हैं कि हाउ डू वी कॉल इट, हम इसे कैसे कहते हैं, बट एक्चुअली इसको कहना होता है वॉट डू वी कॉल इट। ओके, हाउ डू वी कॉल इट नहीं होगा, वॉट डू वी कॉल इट होगा, हम इसे क्या कहते हैं। यू कैन ट्राई इट मोर, जब हम कहना चाहें कि भाई आप इसको मजीद इसके ऊपर कोशिश कर सकते हैं, हम जो है उसको वैसे ही ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली ये कहा जाएगा यू कैन ट्राई अ फ्यू टाइम्स। ओके, तो आई एम श्योर कि ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम सब कर रहे हैं, एंड वी नीड टू अमेंड देम। टूडे आई कट माई हेयर्स, कि आज मैं अपने बाल काटूंगा। आई विल हैव माई हेयर कट टूडे, दिस इज़ द राइट वे टू से इट। आई विल हैव माई हेयर कट टूडे। हाउ वॉज यूर स्लीपिंग, आप पूछना चाह रहे हैं कि भाई आज आप कैसे सोए, आपकी नींद कैसी थी, लेकिन इसको असल में हम कहेंगे डिड यू हैव अ गुड स्लीप, कि क्या आप अच्छे से सोए। ये वो कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हम में से अक्सर लोग गलत बोल रहे हैं, एंड वी नीड टू करेक्ट इट, और आई एम श्योर कि आज के बाद आप इसको अच्छे से बोलेंगे। हाउ आर यू दिस वीक, कि इस हफ्ते आप कैसे हैं, ये भी बहुत कॉमन सेंटेंस है जो हम रॉन्ग बोल रहे होते हैं, और इसको हमने कहना है हाउ हैव यू बीन दिस वीक। सो प्लीज़ सी टू इट, हाउ हैव यू बीन दिस वीक इज़ द राइट वे टू से इट। उसके बाद हम कहते हैं I will go out after the dinner, हम ये कहते हैं I will go out after the dinner, के डिनर के बाद मैं बाहर जाऊँगा। I will go out after dinner होता है, द नहीं होगा यहाँ पर, द गलत है यहाँ पर। You like ice cream, isn't it? अब ये प्रेजेंट का सेंटेंस है और टैग आपने बना लिया, इसमें ये भी गलत है, होना चाहिए You like ice cream, don't you? तो प्लीज़ ये तो हम अक्सर बोलते हैं, तो इसमें मिस्टेक हमारी नहीं होनी चाहिए। हाउ मच इज़ द टेम्परेचर, कि हम अक्सर पूछ होते हैं टेम्परेचर कितना है, लेकिन एक्चुअली हमें कहना होता है व्हाट्स द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या है, हाउ मच नहीं कहना, व्हाट कहना है, व्हाट्स द टेम्परेचर। ही कैन नॉट रीड एंड राइट, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन सेंटेंस है, कि ना तो वो लिख और पढ़ नहीं सकता, हम इसको ऐसे कहते हैं, लेकिन इसको हमें कहना होता है ही कैन नॉट रीड और राइट, और लगाना है हमने यहाँ पर, कि हमारा सेंस तो वही है लेकिन इसका जो एक्चुअल वे है कहने का वो ऐसे होगा कि ही कैन नॉट रीड और राइट। आर यू अ सेलर, नैप, कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कि आप कोई सेलर हो, चीज़ें बेचने वाले हो, बट एक्चुअली हमें कहना चाहिए कि आर यू अ सेल्समैन, नैप, कि तुम एक सेल्समैन हो। अब हम कहना चाह रहे हैं कि मुझे वो अच्छे से पता है, हम कहेंगे कि आई नो हिम गुड, ये गलत है, नो कहना, गुड कहना गलत है, हमें कहना चाहिए आई नो हिम वेल, कि मैं उसे अच्छे तरीके से जानती हूँ। आई हैव अ गुड न्यूज़, तो अब यहाँ पर ए भी गलत है, आई हैव गुड न्यूज़ दिस इज़ अ राइट। आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी मिस्टेक से हमारा सेंटेंस कितना गलत हो जाता है। आई स्टडी इन USA, तो हमें कहना होता है आई स्टडी इन द USA, इट्स अ हाई पेड जॉब, हम कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सैलरी वाली जॉब है, लेकिन हमें कहना चाहिए इट इज़ अ हाई पेइंग जॉब। ओके, हु कुक्ड दिस सैलड, हमें कुक्ड नहीं कहना, सैलड कुक नहीं किया जाता, हु मेड दिस सैलड। आई एम श्योर कि आज की जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आपने अपनी बहुत सारे जो मिस्टेक एरियाज़ हैं उनको कवर किया होगा। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियोज़, लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद अदर्स एज वेल। थैंक यू।